हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलिए मैं बनाती हूँ, ये देखिए टमाटर। टमाटर का मैं चटनी नहीं बनाऊंगी, नई सब्जी में डालूंगी। इसका मैं एक नया कुछ बना के दिखाऊंगी। तो मैं टमाटर का आज बनाने वाली हूँ अचार। तो देखिए, मैंने पानी में अच्छे से टमाटर को धो लिया है और धो के इसको कॉटन कपड़े में अच्छे से सुखा लूँगी। तरह से अच्छे से इसको सुखा लेंगे हम, जब ताकि इसमें मॉइस्चर न रहे। ये सालों साल तक अचार हम खा सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं आपको आज टमाटर का अचार बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने टमाटर को देखिए इसका पानी अच्छा से पोंछ लिया है हमने एकदम, ताकि इसमें थोड़े भी पानी की मात्रा ना रहे। पानी अगर रह जाती है तो हमारे अचार ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमने अचार में से पानी बिल्कुल ही सुखा दिया है। अब इसको चलिए चार टुकड़ों में कट कर लेते हैं और अचार बनाते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, हमने टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कट कर लिया है। अब इसको हम धूप में रख देंगे करीब 3 से 4 घंटे, ताकि इसके जो अंदर वाली पानी है थोड़े से सूख जाए और अचार हमारा बहुत दिन तक चले। ये ख़राब नहीं होती है, अगर इसके में मॉइस्चर नहीं रहेंगे तो ख़राब नहीं होती है। तो एक टमाटर में किसी में 6 टुकड़े की मैंने किए हैं, किसी में 4 टुकड़े किए हैं। इस तरह से मैंने टमाटर कट कर लिया, चलिए इसमें धूप में रख देते हैं। तो हमारा टमाटर सूख चुका है, हमने 4 घंटे के लिए इसको धूप में रख दिया था। ये देखिए इस तरह से हो गए हैं हमारे टमाटर सूखे, थोड़े छोटे हो गए हैं साइज़ में। और इसमें मैं मसाला रेडी करके लाई हूँ, अब इसमें थोड़ा सा मसाला को फेंटूँगी, मिला दूँगी अच्छी तरह से। और ये टमाटर थोड़ी देर और धूप में मैं 1 से 1.5 घंटे रखूँगी, उसके बाद मैं एक छोटे से जार में इसको डाल दूँगी। और इसको आप मसाला डालेंगे उसका नेक्स्ट डे से ही आप खा सकते हैं, इतने टेस्टी होते हैं। मसाला में मैंने क्या क्या डाले हैं मैं बता देती हूँ। इसमें थोड़ी सी मेथी है, सरसों है और अजवाइन है, और कलौंजी है जो मंगरेल बोलते हैं, और थोड़ी सी हींग है जो मैंने रोस्ट करके, मिर्ची है रोस्ट करके मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है, दरदरा पीस लिया है जार में, और तेल मिक्स करके नमक और स्वाद अनुसार नमक भी डाला है मैंने। सारे चीज़ मैंने मिक्स करके लाई हूँ मैं, और इसमें मैं मिक्स कर दूँगी ये टमाटर के अचार में इस तरह से अच्छे से। और ये मैंने बोल में नहीं डाला, इसी प्लेट में मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको फिर से मैं धूप में रखने वाली हूँ। तो इस चलिए इसको मिलाते हैं अच्छी तरह से। तो हमने मसाले अच्छी तरह से टमाटर में मिक्स कर लिए हैं, देखिए कितने सुंदर दिख रही है, और खाने में भी इसके टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इस तरह से अचार बनाइए, खाइए, कमेंट करके हमको बताइए कि आपने अचार कैसे बनाई है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। और मैं और भी अचार अपने चैनल पर डाली हूँ, देख लीजिएगा। आंवले की 2 तरह की अचार मैंने बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोगों को थैंक यू। एडवांस में मैं कर रही हूँ थैंक यू कि क्या मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।